हे एवरीवन, आज मैं अपने चैनल फूड द बीट्स पर बनाने वाली हूँ मैंगो सूजी केसरी की रेसिपी, या आप इसे मैंगो सूजी हलवा भी कह सकते हैं। जब भी आम का मौसम आता है तो ये मैंगो केसरी उन डेजर्ट्स में से एक है जो मैं अपने घर पर जरूर बनाती हूँ, तो आप भी इस आम के सीजन में ये रेसिपी जरूर ट्राई करें। तो चलिए देखते हैं मैंगो सूजी केसरी बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। सूजी हाफ कप, आम की प्यूरी हाफ कप, घी 4-5 टेबलस्पून, चीनी 3/4 कप, केसर के स्ट्रैंड्स 5-6, इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून, पानी 2 कप और ड्राई फ्रूट्स जिसमें मैंने लिया है थोड़े काजू और थोड़े किशमिश। तो सबसे पहले एक कढ़ाई गर्म कर ले और इसमें डालें 4-5 टेबलस्पून घी। अब जब घी गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे हाफ कप सूजी और 4-5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे भून लेंगे। सूजी का कलर हमें ब्राउन नहीं चाहिए, इसलिए सूजी को बिल्कुल धीमी आंच में ही घी के साथ अच्छे से भून लेना है। सूजी का जो रॉनेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट भुनने से चला जाता है, इसलिए सूजी को लगातार बीच बीच में चलाते हुए भुनें। साथ ही साथ जब तक सूजी भुन रही है हम एक पैन ले लेते हैं और इसमें 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम घी डालकर थोड़े काजू और थोड़े किशमिश भुनकर इसे सूजी में डालने के लिए रेडी कर लेते हैं। इसे भी लो फ्लेम पर ही फ्राई करें। इसे करीब करीब आधे से एक मिनट ही भुने। आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़े देर में चेंज हो जाएगा और ये जो किशमिश है वो थोड़ी सी फूल जाएगी। सूजी को भुनते हुए 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं सूजी को मैंने बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया है, इसका कलर थोड़ा सा ऑफ वाइट सा हो गया है और इसका जो कच्चापन है वो भी चला गया है। अब इस स्टेज में हमें डालना है पानी, जो मैंने लिया है 2 कप। हमें इस हलवे को लो फ्लेम पर ही कुक करना है। हाई फ्लेम में कुक करेंगे तो पानी जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा और सूजी अच्छे से फूलेगी भी नहीं। तो लो फ्लेम पर सूजी को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर ले। जब ये सूजी पानी को पूरी तरह अब्सॉर्ब कर ले तो हमें डालना है 3/4 कप चीनी। आप चीनी की जगह गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, बट याद रखें जब भी आप गुड़ डालें तो गुड़ को पानी के साथ थोड़ा गर्म कर डाइल्यूट कर ले और गुड़ और सूजी को ठंडा कर एक साथ मिक्स कर ले। अब जब चीनी अच्छे से सूजी के साथ घुल चुकी है तो हमें डालना है इलायची पाउडर, जो मैंने लिया है 1/4 टीस्पून। इसे अच्छे से मिक्स कर ले और डाले 1/2 कप मैंगो की प्यूरी। मैंगो की प्यूरी बनाने के लिए मैंने पहले ही मैंगो के पल्प को निकालकर मिक्सी में पीस लिया था। मैंने अल्फोंसो मैंगो का यूज किया है, आप चाहे तो किसी भी टाइप के आम का यूज कर सकते हैं। लो फ्लेम पर अच्छे से मैंगो की प्यूरी को सूजी के साथ मिक्स कर ले और फिर डाले घी में रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। मैं यहाँ काजू और किशमिश ही यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो अपने चॉइस के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। लास्ट में केसर के 5-6 स्ट्रैंड्स डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए, बन गई मैंगो सूजी केसरी की ये टेस्टी डेजर्ट। आप इसे गर्म या रूम टेम्परेचर पर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये मैंगो सूजी केसरी की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल फूड द बीट्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, टेक केयर।